आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के iOS वर्जन के बारे में। अब देखो दोस्तों, लोग ना मुझसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के आके डेली पूछते हैं भाई, 5 से 10 लोगों का मैसेज डेली आता है भाई। मेरे आसपास के भी लोग मुझसे पूछते हैं, जी हाँ, वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे इस बात की, भाई हमको आसिफ भाई BGMI को डाउनलोड करना iOS के अंदर, कैसे करें, इसका कोई तरीका बता दो भाई कैसे होगा। तो देखो यार, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि BGMI कैसे डाउनलोड होता है, लेकिन लोगों के कुछ डाउट भी है जो आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। अब देखो, मोस्टली लोग ना वैसे है जिन्होंने ना जिनको दिक्कत आ रही है BGMI के iOS BGMI को iOS में डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि जो iOS मतलब जो एप्पल ऐप स्टोर होता है ना, वहां पे BGMI है ही नहीं। तो लोग जो है वो क्या हो रहा है ना, जो भी नया आईफोन खरीद रहे हैं, आईपैड खरीद रहे हैं, जब वो सर्च कर रहे हैं एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर तो उनको मिल ही नहीं रहा भाई, ठीक है। और वो वैसे बंदे जिन्होंने पहले कभी जो है वो iOS डिवाइस यूज करा ही नहीं है, जी ना ही iPad ना ही एप्पल का कोई डिवाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होगा और आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे। जी हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके दोस्त की आईडी लेनी पड़ेगी, जो आपके दोस्त ने जो वो अगर BGMI को डाउनलोड करा हुआ है या कभी भी करा था, वो नहीं खेलता, तो आप उससे उसकी आईडी मांग लो, अपने एप्पल के जो ऐप स्टोर होता है ना उसमें आप जो है वो लॉगिन कर लो, और लॉगिन करने के बाद आप iOS में बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लोगे। अब बोलोगे ऐसे भाई डाउनलोड कैसे होगा भैया, ठीक है। तो देखो, डाउनलोड करने के बारे में बड़ा ही सिंपल है भाई, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। हालांकि देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं आपको प्रोसेस बताने के बाद कुछ और कुछ चीजें भी बताऊंगा, तो उसको भी देख के जाना, ठीक है। तो आपको एप्पल का जो आप लोगों का जो iOS स्टोर होता है उसको खोल देना है, आपको अपने नाम पे क्लिक करना और आप लोगों को यहां पे जो ना परचेस वाले ऑप्शन पे जाना है, परचेस वाले ऑप्शन में, और आप सर्च में जाके भी सर्च कर सकते हो। यहां पे नॉर्मली BGMI सर्च करोगे ना तो यहां पे आपको BGMI आ जाएगा, और हालांकि अगर आप नीचे नीचे भी स्क्रॉल करोगे ना तो आप लोगों का जो BGMI है अगर उस आईडी से कभी भी इंस्टॉल हुआ होगा तो आप लोगों को जो BGMI है वो यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे को यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है जस्ट बिकॉज मैंने अपने फोन में डाउनलोड करा हुआ है। तो सिंपल सा मेथड है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि भाई क्या हम लोग iOS वर्जन को भाई किसी थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर मैं सर्च करता हूं BGMI iOS डाउनलोड, ठीक है। तो यहां पे मैं सिंपली सर्च करता हूं तो भाई यहां पे ना आप लोगों को काफी सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पे लोग ना iOS वर्जन को जो है वो थर्ड पार्टी पे डाले हुए हैं। तो क्या आप लोग को इस तरीके से डाउनलोड करना चाहिए, अपने iOS में इंस्टॉल करना चाहिए? तो देखो मैं आपको बोलूंगा भाई, थर्ड पार्टी से आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। जी हाँ, सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप लोगों की आईडी में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आपकी आईडी में बैन पड़ जाए। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल तरीके से विच इज प्ले एप्पल ऐप स्टोर, वहीं से आपको डाउनलोड करना है, किसी थर्ड पार्टी से आपको नहीं करना। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे दोस्तों, देख पा रहे हो, बहुत सारे हजारों आर्टिकल आपको मिल जाएंगे iOS वर्जन को डाउनलोड करने के बारे में। और लेटेस्ट वर्जन की बारे में बात करो तो 2.1.0 का अपडेट चल रहा है भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड पार्टी की तरफ मत जाना, दिक्कत आ सकता है। इतना ही बताना था आज की इस वीडियो में। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या थर्ड पार्टी से कर सकते हैं क्या, क्योंकि अवेलेबल है भाई, लोगों ने BGMI के नाम से वेबसाइट बना रखी है। जी हाँ, इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे एंड बाय बाय।